हाय एवरीवन, आई एम अंजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कट क्रीज आई मेकअप कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लू कलर लेके। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर पुट कर दिया है और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। पिगमेंटेशन बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे सेकेंड कोट लगाऊंगी। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो अगर आपकी पैलेट की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है तो। इसके बाद मैं SFR की पैलेट से ब्लू कलर ले रही हूँ और उसको मैं इस डार्क ब्लू के ऊपर ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं SFR की पैलेट से टर्कोइश ब्लू कलर ले रही हूँ, इसको मैं उस मीडियम ब्लू के ऊपर अप्लाई करूंगी और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इसको मैं आउटर आईलिड से अप्लाई करूंगी और सिर्फ हाफ अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ येलो कलर और उसको टर्कोइश ब्लू के ऊपर लगाऊंगी ताकि एक अच्छा सा ओम्ब्रे इफेक्ट आ जाए। और जब येलो कलर ब्लू कलर में मिक्स होता है तो ग्रीन कलर ऑटोमेटिकली बीच में बन जाता है, तो इसमें मुझे सेंटर में कोई अलग सा कलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे पिंक कलर और इसको मैं इनर आईलिड पे अप्लाई करूंगी। पहले पुट करेंगे, उसके बाद अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट आएगा क्योंकि हम यहाँ पे दो कलर मिक्स कर रहे हैं। पहले मैंने टर्कोइश ब्लू लगाया था और उसके आगे मैंने यहाँ पे पिंक कलर लगा दिया। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब वापस मैं येलो कलर ऊपर की तरफ को लगा दूंगी ट्रांजिशन में, तो इससे एक बैलेंस्ड ओम्ब्रे इफेक्ट आएगा। तो ये आई मेकअप हमारा थोड़ा सा ड्रामेटिक में चला जाता है, या फिर आप इसे हल्दी लुक में भी अप्लाई कर सकते हो। ये वाला जो आई मेकअप है ये हल्दी मेकअप के लिए बेस्ट रहेगा बिकॉज ये काफी ज्यादा कलरफुल है। याद रखना कि इतना कलरफुल अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो उसके बाद थोड़ी न्यूडिश में जो है आप लिपस्टिक अप्लाई करना ताकि बैलेंस्ड लुक आए, वरना ये जो है बहुत ज्यादा ड्रामेटिक में चला जाएगा। इसके बाद मैं SFR पैलेट का ब्लू कलर ले रही हूँ, इसे आउटर कॉर्नर पे पैट करके अच्छे से ब्लेंड करूंगी क्योंकि कट क्रीज में जनरली क्या होता है कि हमारा आउटर एरिया जो है काफी डार्क होता है और इनर एरिया को इनहांस करने के लिए हम थोड़ा लाइट शेड यूज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का टिंट दूंगी, इससे क्या होगा मेरा ब्लू कलर और ज्यादा इनहांस होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। अगर आप इस तरीके की मिस्टेक कर लेते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप वापस वही ब्लू कलर ले लो जिसके ऊपर आपने ब्लैक कलर अप्लाई किया था। इससे क्या होगा कि ओवरऑल आपका ब्लैक कलर रिड्यूस हो जाएगा और उसका टिंट रह जाएगा ब्लू के ऊपर। उसके बाद बहुत अच्छे से आपको इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग पे जो है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना जो कलर है वो ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ पुट कर दिए हैं। सारे कलर बारी बारी से वापस मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम जब आई मेकअप करते हैं तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे जो पहली लेयर्स होती हैं वो सारी जो है हमारी स्किन के अंदर डिजोल्व होने लग जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा फेडिंग सा इफेक्ट आता है। तो वापस उसे रिफ्रेश एक बार और कर लिया करो, इससे क्या होता है कि आपके जो कलर्स हैं वो और ज़्यादा वाइब्रेंट लगते हैं, डल नहीं होते। इसके बाद हम कट क्रीज स्टार्ट करेंगे। तो इनर कॉर्नर से लेके हाफ आई बॉल से थोड़ा सा ज्यादा हम यहाँ पे कट करूंगी। अगर आपकी आई बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप सेंटर पार्ट से बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं है, बट एक आइडियल मैं आपको दे देती हूँ। उसके बाद फिर अच्छे से इसको सेट कर देंगे पाउडर से। मैं यहाँ पे वापस ब्लू कलर लूंगी और इनवर्ट डायरेक्शन में जो है ब्लेंड करूंगी। इससे क्या होगा कि आपका जो कंसीलर है उसके ऊपर कलर बहुत ही प्यार से चला जाएगा। अगर आपने उसे आउटवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड किया तो इससे क्या होगा कि कंसीलर जो है आपके कलर के ऊपर आ जाएगा और इससे क्या होगा कि आपका कलर लाइट हो जाएगा। फिर आप कितनी ही कोशिश कर लो वो डार्क नहीं हो पाता है। तो ये मिस्टेक मैंने पर्सनली नोटिस करी थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छे से आप उसे ब्लेंड करेंगे इनवर्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे टर्कोइश ब्लू कलर ले रही हूँ ओम्ब्रे इफेक्ट के लिए। मैं इसे सेंटर पे डालूंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको दिख रहा है अभी लाइट और डार्क के बीच में एक लाइन आ रखी है, आपको पता लग रहा है कि आपने डार्क और लाइट कलर अलग से पुट किया है। तो अब आपको इसके बीच में एक सेंटर में एक ऐसा मीडियम ब्लू कलर डालना पड़ेगा ताकि एक ओम्ब्रे इफेक्ट आए, ऐसा लगे कि डार्क से होते होते लाइट जा रहा है। तो ये एक इफेक्ट लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इस तरीके का मेकअप करते हो। तो अब आपको जैसे दिख रहा है मैंने यहाँ पे ब्लू कलर मीडियम ब्लू कलर डाल के एनी हाउ जो है एक ओम्ब्रे इफेक्ट सा लेकर आई हूँ। उसके बाद मैं इसमें टर्कोइश ब्लू कलर को और आगे की तरफ को लेके आ जाती हूँ। अब जैसा कि आपको दिख रहा है मैं पूरा आगे तक लेकर आ गई हूँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट आंखें थोड़ी बंद बंद सी लग रही है। सो आई नीड टू ब्राइटन अप माई आई। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आइदर आई कैन अप्लाई हाईलाइटर इनर कॉर्नर्स में, या फिर आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो हल्का सा, उसको इनर कॉर्नर पे लगा के उसको हल्का सा जो है आउटवर्ड की तरफ ब्लेंड कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो कलर है वो थोड़ा खुल के आएगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास जो हाइलाइटर होता है वो इतना ब्राइटन अप नहीं कर पाता है, या आपके पास जो शिमर होता है वो इतना ब्राइटन अप नहीं कर पाता है। देन यू कैन यूज़ दिस टेक्निक, लाइक पहले अप्लाई कर सकते हो आप कोई भी कंसीलर इस तरीके से जैसे मैंने अप्लाई किया है। देन यू कैन पुट any kind of highlighter or shimmer shade just to brighten up your color, okay? तो इससे जो है बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। एक छोटा सा हैक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ट्राई करके देखना, आई होप कि आप लोगों को काम आए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वाइट कलर का कंसीलर या फिर वाइट कलर की लिपस्टिक, जो कि लिपस्टिक पैलेट में आपको मिल जाती है जनरली मिक्सिंग कलर में, तो वो मेरे पास था, तो मैंने उसमें जो है वाइट कलर ले लिया। यू कैन ऑल्सो अप्लाई लाइनर, ओके? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो कट क्रीज है उसको इन्हांस करने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा वाइट कलर डाला है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कलर्स जो है ना इतने अच्छी तरीके से नहीं दिख पाते हैं कि हमें कट क्रीज है करके पता लगे। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम आइदर अप्लाई वाइट कलर का लाइनर या फिर ब्लैक कलर का लाइनर, या फिर कलर के हिसाब से जो है ब्राइटन अप करने के लिए कट क्रीज को हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे वाइट यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी कट क्रीज इन्हांस करे, ठीक है? तो इन्हांस हो रही है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लैशेज ऑफलाइन बना दिए थे, और उसके बाद जो है ये मेकअप कंप्लीट हो जाता है। So now I'm gonna end up this video and I hope you like the video and I will meet you guys in the next one. Till then, take care, be safe, bye bye.